आपके लिए लंदन हॉस्पिटल से कॉल है. ओके. हेलो, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आइए. ओह माय गॉड. तेरे डैडी का हत्यारा है. जब तू हिंदुस्तान जाएगा ना, तो इस भेड़िए को जरूर ढूंढना. इसने तेरे डैडी की दौलत हड़पने के लिए तुझे अनाथ और मुझे विधवा बना दिया था. खून का बदला लेना है. हाँ माँ. हाँ. ये मेरी आखिरी इच्छा है. कौन? तेरी मौत. जान क्यों लेना चाहते हो? इसलिए कि तुम मेरे बाप के कातिल हो. ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ? मेरी माँ ने. तुम्हारी माँ ने? तुम्हारे बाप का नाम? एसके मल्होत्रा, जिनका खून तुमने किया है. एसके मल्होत्रा? वो तुम्हारे पिता थे? लेकिन बेटे, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि मैंने उनकी हत्या की थी? सबूत? ये तस्वीर जो मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे ये कह के दी थी कि यही तेरे बाप का कातिल है. अब कह दो कि ये तस्वीर भी तुम्हारी नहीं है. नहीं बेटे, ये तस्वीर मेरी नहीं बल्कि मेरे जुड़वां भाई सोहन सिंह की है. इसका सबूत तुम्हें अभी मिल जाएगा. और अगर इसके बाद भी तुम्हें यकीन ना आए बेटे, तो इसमें 6 गोलियां हैं. सब की सब मेरे सीने में उतार देना. लो. दरिंदे ने दौलत के लिए सिर्फ तुम्हारे डैडी को ही नहीं बल्कि हमारे अपने पिता को मार डाला, अपने बड़े भाई का खून कर डाला, अपनी छोटी बहन की दौलत हड़पने के लिए से अपनी ही बहन और उसके पति का खून कर डाला, और उन खूनों का इल्जाम मेरे सर मंडाला और मुझे 14 साल के लिए जेल भेज दिया. अगर अब भी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो रिवॉल्वर है तुम्हारे हाथ में, उतार दो 6 की 6 गोलियां मेरे सीने में. नहीं सर, I'm sorry. रू रू रबरी बेरी बीबा, रबरी बेरी बेरी बीबा, रबा. अरे राधा, तो ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग सो प्रिटी. राधा, ऐसे क्यों खड़ी हो? बाहर आओ ना. ए राधा, बाहर आओ ना. क्या सुनाई नहीं दे रहा? देखो, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा. आ जाओ. देखो हाँ, ये तो लॉक है. एक्सक्यूज मी. यस सर. वो दुकान कब खुलेगी? आज नहीं खुलेगी. क्यों? आज संडे है. अरे ये कहां चली गई? अरे शाम, ये सुबह सुबह क्या शॉपिंग कर रहे हो भाई? शॉपिंग नहीं अंकल, चुनो चुनो बाबू, हमको भी साथ में ले लो. हमारा बेटी का हाथ हाथ में ले लो. बाबू मुशाय, हमें तो चांद के टुकड़े की तलाश थी.
और हमें हमारा चांद का टुकड़ा मिल गया। उरे बाबा, आप हमारा तीन सौ टुकड़े में से कौन सा बेटी को चांद का टुकड़ा बोला? बड़ी बेटी, छोटी बेटी या मोंगली? मुनमुन बाबू, हसमुख बाबू, वही तो। वही तो क्या, तुम्हारी बेटी चांद का टुकड़ा नहीं, भैंस का टुकड़ा है। देखिए ना कैसा बोलता है, गंदा गंदा, मेरा दिल तोड़ते हैं। बाबू बचाए, खफा नहीं होते। ए राधा, ए राधा, 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 ए राधा, राधा, सुनो तो राधा, राधा। आपने मुझसे कुछ कहा? जी, हमने आपको कहीं देखा है। आप, ओह आई एम सॉरी, आपका नाम याद नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रही हो, मैं तो बड़ा श्याम हूँ। मेरे श्याम? नो नो, मिस्टेक मिस्टर, मिस्टेक, आपको मैंने पहचाना नहीं। राधा मजाक छोड़ो यार। ये मजाक नहीं, मैं यहाँ किसी को मिलने आया है, और यहाँ हमारा अपना कोई है, मगर पता नहीं वो कौन है। उसे कुछ काम था, वो काम भी भूल गया और उसका नाम भी भूल गया, सॉरी। श्याम, कबाब में हड्डी बन के वो लोग कौन थे? वो मेरे पापा के दोस्त हसमुख अंकल थे। दो प्यार करने वालों के बीच अगर फूल भी आ जाए तो दूरियां हो जाती है। अच्छा, तो फिर इसी बात पर हम तुमसे आज ही शादी करके तुम्हें हनीमून के लिए लंदन लेके जाएंगे। क्या, माय गॉड, आज ही? हाँ, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक बात सच सच कहनी है। तो तुमने मुझसे कुछ झूठ भी बोला था? एक छोटा सा झूठ। हाँ? राधा, मैं दुनिया के 10 अमीरों में से एक हूँ। क्या? हाँ, मैं तुम्हें लंदन में क्वीन बना के रखूंगा। मुझे नहीं बनना कोई क्वीन। क्यों? तुमने मुझसे इतना झूठ क्यों बोला कि तुम एक मामूली सेक्रेटरी हो, एक गरीब आदमी हो? अरे लेकिन अमीर होना कोई जुर्म तो नहीं है? हे, तुम जैसे अमीर हम जैसे गरीबों के जज्बात से खेलते हैं। आज इतना झूठ बोला, कल तुम्हारी कई बीवियां निकलेंगी, एक अमेरिका से, एक जापान से, एक फ्रांस से। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, आई एम वेरी सॉरी। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे पीछे मत आना, कहा ना, नहीं करनी तुमसे शादी। राधा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये क्या, एक लड़की की वजह से तेरी आंख में आंसू? मैं हार गया। अरे वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तेरे दिल की हार कैसे हो सकती है? हार हो गई, राधा ने शादी से इनकार करके मेरा दिल तोड़ दिया। तू मायूस ना हो मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाऊंगा, वहां 101 नारियल चढ़ाऊंगा और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा कि हे भोले शंकर, मेरे बच्चे को उसका चांद का टुकड़ा दिलवा दे। अगर भोले शंकर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो ठीक है, नहीं तो। नहीं अंकल, मैं उसे जबरदस्ती करके अपनाना नहीं चाहता, मैं उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं उसकी हंसी यादों को अपने सीने से लगाकर हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। चाहे तो मार मार कर मेरी जान निकाल दो, मैं शाम से शादी नहीं करूंगी, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हीरोइन को हीरो से प्यार हो गया है, मगर मेरे ड्रामे में हीरो का डेथ सीन है मेरी जान, डेथ सीन। बकवास बंद करो। चला, तेरे इस खूबसूरत चेहरे को तेजाब डालकर इतना भयानक बना दूंगा कि मारे घबराहट के भगवान खूबसूरत चेहरे बनाना छोड़ देगा। इससे पहले कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए और इंसानियत की अर्थी उठ जाए, अपनी जिद छोड़, उससे शादी कर और फिर उसकी हत्या। नहीं, कभी नहीं। रियली? मुझे मालूम था कि कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, इसलिए कहानी का एक इम्पोर्टेंट सीन मैंने तुम्हें सुनाया ही नहीं, आज भी सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। सुहाग की सेज लाई जाए। दुल्हन को पेश किया जाए भाई। आज यहाँ बगैर शादी के सुहागरात होगी, लोग दरवाजा बंद करके मनाते हैं, लेकिन ये लोग खुले आम मनाएंगे, आदत से मजबूर है। नहीं,
को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरे मीनू को छोड़ दो, मेरे मीनू को छोड़ दो। माय सन। यस पापा। मैं जानता था कि इस सीन का पहला टेक ही ओके होगा।